हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बाफ्टा अवार्ड्स 2020 से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैं ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाफ्टा की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था आपका 29 में, 1949 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बाफ्टा 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? फटाफट आंसर बता दीजिए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता। तो दोस्तों, ये जीता है 1917 मूवी ने। ठीक है, और इसके डायरेक्टर आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, तो डायरेक्टर जरूर याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर हैं सैम मेंडेस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाफ्टा अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फिल्म जगत और टीवी के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बाफ्टा 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही आंसर रहेगा, तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा रेनी जेलवेगर, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। ये दोस्तों कहाँ से है? ये अमेरिका से है, ये भी आपको याद रखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाफ्टा 2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? इसका सही आंसर रहेगा, तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? लोरा डर्न, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। देखिए किस मूवी के लिए दिया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये दिया गया है मैरिज स्टोरी के लिए। इसके डायरेक्टर कौन है आपसे डायरेक्टर भी पूछा जा सकता है, मैरिज स्टोरी के डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर है नोहा बुम्बाच, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्री चीज़ें बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाफ्टा 2020 में सबसे ज्यादा बार किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट हुई है जोकर फिल्म। ठीक है, कितनी बार नॉमिनेट हुई है? 11 बार। तो आप इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक ज्वाइनिंग प्रोसेस बताना चाहूंगा। अगर आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं और आप किसी भी सिटी में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, बस आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके एक अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, एक आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। अपना किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी तक की तैयारी घर पे बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए एक डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सभी स्टूडेंट जितने भी आप देख रहे हैं, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करिए किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं। यहाँ पर आपको जो भी करना है, ठीक है, एसएससी की एसएससी कर सकते हैं, एसएससी वाले बैंक कर सकते हैं, बैंक वाले, ठीक है, रेलवे वाले रेलवे, यूपीएससी वाले यूपीएससी, और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने मंथ का आपको कोर्स लेना है, जितने मंथ आपको कोचिंग करनी है, उतना ही सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि कोई आपके पास एंटर रेफरल कोड, आपके पास कोई डिस्काउंट कोड है? तो बिल्कुल है, ये हमारा डिस्काउंट कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। जो भी फीस यहाँ पे दिख रही होगी वो कम हो जाती है, जैसे आप इसको डालते हैं और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देते हैं, प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। और उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करने के बाद में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी ज्वाइन करें तो आपको डिस्काउंट कोड देखना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट कोड है, सभी एग्जाम में एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाफ्टा 2020 ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसे मिला? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा पैरासाइट मूवी को। ठीक है, पैरासाइट मूवी को मिला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इसके डायरेक्टर आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, इसके डायरेक्टर कौन है? बोंग जू हो, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा 2020 बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड किसे मिला? तो प्यारे दोस्तों, बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड मिला है जोकर मूवी को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, बाफ्टा 2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता? अच्छा, बी ऑप्शन डाला ही नहीं, तो ये मिला है भाई, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, ब्रेड पिट को। तो ये आप याद रखिएगा, बाफ्टा 2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ब्रेड पिट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाफ्टा 2020 में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं? तो ये जीते हैं जोकर मूवी ने, और कितने जीते हैं? 11। वहीं पर अगर बात की जाए 1917 की, तो इसने जीते हैं 7 अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, बाफ्टा 2020 में स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड किसने जीता? तो प्यारे दोस्तों, ये भी जीता है आपका किस मूवी ने? 1917 ने। और इसके डायरेक्टर मैंने अभी आपको बताया था, तो जितने स्टूडेंट को याद है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1917 मूवी के डायरेक्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बाफ्टा 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल कैलिफोर्निया में। इसका सही आंसर क्या रहेगा? सॉरी, कैलिफोर्निया में तो ऑस्कर का हुआ था ना, लंदन यूके में। बाफ्टा का तो यूके में होगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो कैलिफोर्निया में किसका हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, ऑस्कर का हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं भूल गया भाई, मतलब भूला नहीं, कन्फ्यूज हो गया। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, लंदन में 100% बाफ्टा अवार्ड 2020, क्योंकि ये यूके में ही होगा। ठीक है, और ये आपका कैलिफोर्निया में हुआ था ऑस्कर, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाफ्टा 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है जोकिन फिनिक्स को, और किस मूवी के लिए मिला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इनको मिला है जोकर मूवी के लिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाफ्टा 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकिन फिनिक्स को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बाफ्टा 2020 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है सैम मेंडेस को। ठीक है, किस मूवी के लिए मिला है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 1917 मूवी के लिए मिला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाफ्टा 2020 में बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड किसने जीता? तो प्यारे दोस्तों, ये जीता है किस मूवी ने? 1917 मूवी ने जीता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में संपन्न बाफ्टा का अवार्ड कौन सा संस्करण था? ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए, बाफ्टा 2020 जो हुआ है ये कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था दोस्तों 73वां। ठीक है, यानी कि 73वां ऑप्शन रहे।